मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम जहां मौजूद हैं वहां बहुत सारी कंपनियां अलग अलग क्षेत्र की खासियत लेके आई हुई हैं प्रगति मैदान में, चूँकि प्लास्टिशिया 2022 चल रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं मित्तल पॉलीग्रेन्स LLP के मुकेश अग्रवाल जी। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ भी इंडस्ट्री में चल रहा है पिछले 2 साल में, एक तो पहले कोरोना ने कमर तोड़ा लोगों का, उसके बाद रशिया यूक्रेन झगड़ने लगे, तो ऐसे सूरत हाल में इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसा शिकायत कर रही हैं, आपको क्या लगता है वक्त लगेगा इंडस्ट्री को वापस बाउंस बैक करने में? देखिए सर, मेरे हिसाब से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से दुनिया में ये सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। एंड एज इंडिया इज़ अ वेरी डेवलपिंग कंट्री, एंड इसमें स्पेशली इंडिया इज़ अ फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री आई सीम्स, क्योंकि इस कोरोना ने और इस वर्ल्ड वॉर ने इंडिया को एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है, जिसके अंदर इमर्जिंग कंपनीज़ अपना वजूद बना रही है। एंड मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, डाउन टाइम 5 years 6 years, डेफिनेटली इंडिया विल बी ऑन द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर द वर्किंग प्लेस। ये तो आपने अच्छी बात बताई। ये बताइए कि जो एक मौका मिल रहा है प्लास्टिशिया 2022 के ज़रिए, तमाम कंपनियों को एक छत के नीचे आना, बातें करना बिज़नेस को लेकर, नए नए ऑपर्चुनिटीज़ तलाशना, ये कितना अच्छा मौका आपको लगता है? ये मैं समझता हूँ कि पिछले 2 सालों से हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन हो चुके थे, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड थे। एंड ये 2 सालों बाद एक बहुत बड़ा मौका मिला है, जहाँ पर लोग रूबरू एक दूसरे से मिल रहे हैं। एंड इससे अच्छा मौका मैं नहीं समझता हूँ कि हमें कोई और मिल सकता है, जिसमें हम लोग हमारा एग्जिस्टेंस लोगों को बता सकते हैं कि दैट वी एग्जिस्ट। एंड जो बातें रूबरू होती है, जिस तरीके से हम लोग हमारे इमोशंस एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बिजनेस भले ही ना हो बट दुनिया में चल क्या रहा है और हिंदुस्तान कर क्या रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ऐसा समझता हूँ। और रितेश, अभी जो आपने बताया कि हमने मुलाकात कर ली, बातचीतें हो गई, कल MSME क्षेत्र के बड़े अफसरान आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी, आपको लगता है कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ पॉलिसी डिसीजंस बदलाव ज़रूरी हैं? डेफिनेटली सरकार इसमें ऑलरेडी कुछ काम कर रही है, बट मैं समझता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट सरकार लाई है, उसके अंदर और अगर कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो बोलते हैं, एंड जो कंप्लायंसेस है, जिसमें हर बिजनेस कहीं ना कहीं एक उस कंप्लायंस को लेकर कहीं ना कहीं एक रुक जाता है, तो वो चीज़ों को लेकर अगर सरकार इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करे या कुछ ऑफिसेस हम लोग को ऐसे प्रोवाइड करे जाए कि जहाँ पर हम लोग सिंगल ऑफिस में जाकर ही हमारे सारे बिजनेस के कंप्लायंसेस पूरे कर सके, तो इस क्षेत्र में अगर कुछ काम हो सकता है। एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें जैसे कि अभी हम लोग रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, अब जो कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकिलिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग, एंड टू प्रमोट दिस थिंग्स गवर्नमेंट शुड प्रमोट द प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज टू यूज़ एटलीस्ट सम परसेंटेज ऑफ रिसाइकिल ग्रेनुल्स इन द प्रोडक्ट। इससे होगा क्या कि जो रिसाइकिलिंग का एक सेक्टर है वो बूम होगा, एंड वेस्ट कंट्रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अगर रिसाइकिलिंग ग्रेनुल्स हम लोग अगर वर्जिन ग्रेनुल्स के साथ मिक्स करके चलाते हैं जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर, अच्छा मसला है, सस्टेनेबिलिटी बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, आपको लगता है इसमें एक अच्छा कदम होगा? और किस हद तक इंडिया में ये मामला भी गरमाया, बिकॉज बातें लोग बहुत करते हैं पर क्रियान्वित कर पा रहे हैं? राइट, सी इंडिया में जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे हमारे भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर बैन लगाया है, एंड ये बहुत ही एक अप्रिशिएबल कदम है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि हम लोग बस यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं और उसका रिसाइकिलिंग नहीं हो पाता है। अब रिसाइकिलिंग होनी चाहिए, उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि एक सस्टेनेबिलिटी जो आएगी बाज़ार में, जैसे कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कर के आ रही है, जो उनका रिसाइकिलिंग दाना अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है कि इफ़ यू यूज़ रिसाइकल ग्रेनुअल्स इन योर प्रोडक्ट, सो वी विल डेफिनेटली गिव यू सम सब्सिडीज़, हम लोग आपका एक जो बड़ा टैक्सेशन का पार्ट है उसके ऊपर हम लोग आपको रिफॉर्म ला के देंगे, कि हम लोग उसमें रिफॉर्म्स ऐसे लाएंगे कि इफ़ यू इम्पोर्ट रिसाइकल ग्रेनुअल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ और यू यूज्ड, यू आर ग्लोबली हेल्पिंग द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो ये एक मैं समझता हूँ कि इंडियन मार्केट में अगर गवर्नमेंट इस क्षेत्र में अगर कुछ सोचे, तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा हर इंडस्ट्री के लिए, एंड मैं समझता हूँ प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी ह्यूज इन इंडियन मार्केट ऑल्सो। एंड फाइनली, आप खुद कंपनी के तौर पे कुछ नया प्रोडक्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो बना उसके अंदर चाहते हैं अपने तमाम यूज़
यूजर्स? सी राइट नाउ मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग ये अपने आप में ही एक हर बार नया प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप इसको जितना डीप जाओगे उतना आपको इसके अंदर से नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। मैं समझता हूँ कि हम लोग इसको सिर्फ नॉट लुकिंग, वी डोंट लुक इट दिस एट लाइक ओनली द बिजनेस, इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसाइकल मैक्सिमम वेस्ट वी कैन। एंड इसके अंदर डेफिनेटली जो वेस्ट रिसाइकल होता है उसको तो सभी लोग कर ही रहे हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन द वेस्ट विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू रिसाइकल। हम लोग जो कहते हैं मल्टी लेयर प्लास्टिक विच इज़ वेरी चैलेंजिंग टू रिसाइकल, हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि उसके ऊपर से हम लोग कैसा उसका ग्रैनुलेशन कर सके और उस ग्रैनुलेशन से हम लोग कैसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सके जो कि ईजी टू एक्सेस होंगे सभी के लिए। दैट इज़ अ पॉइंट, बिकॉज सी देखिए सब लोग का मानना ये है कि प्लास्टिक को जीवन में कम से कम यूज़ करो, पर मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में 80% रोल प्लास्टिक ही प्ले करता है। बट डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि इसके अंदर सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग इसको डिस्पोज किस तरह से करते हैं वो मेन रोल प्ले करता है। बाकी ये सारी इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल टर्म्स अलग हो गई है, बट मैं समझता हूँ कि हर किसी ने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल्स है उसको अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग करें और उसको यूज़ करें, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश अपना तमाम वक्त देने के लिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच।